चेक बाउंस हो चुका है और रोलिंग स्टॉप हो चुकी है। 23 मार्च 2023 को शुभ कनाडा बेस्ड सिंगर एक स्टोरी डालते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे और जिसके अंदर इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप प्रेजेंट होता है। अब उस मैप के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो जो कश्मीर वाला पार्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, वो आपको नहीं दिखेगा उसमें। जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो भी आपको नहीं दिखेगा उसके अंदर पूरे इंडिया के मैप में। पंजाब वाला पार्ट है वो आपको ब्लैकआउट दिखेगा और पंजाब और हरियाणा को मिक्स भी कर रखा है। अब इस पे काफी उसको बैकलैश मिलता है जो कि स्टोरी बाद में डिलीट हो जाती है। ये बात थी मार्च की। तब से इसके ऊपर कुछ खास आउटरेज नहीं हुआ था, हुआ था लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं हुआ था। जब उसका पहला टूर होने वाला है तब बैकलैश मिलना चालू होता है। बुक माई शो जो है वो उनका शो कैंसिल कर देती है, सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं, बोट स्पॉन्सरशिप ले लेती है, मोज शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म है वो भी अपनी स्पॉन्सरशिप वहां से उठा लेती है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी इस वक्त हो चुकी है। उस मैप को बनाने वाला बंदा था अमनदीप सिंह इंक्विजिटिव नाम से, जिसका इंस्टाग्राम आईडी है। उसने ये मैप को पोस्ट करा था मार्च 22 को। उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था उस अपने आर्ट वर्क को एक्सप्लेन करते हुए। आर्ट वर्क के अंदर मोटा मोटा ये था कि किस तरीके से पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कट ऑफ कर दिया गया है, जिसको डिपिक्ट करने के लिए मैंने ये मैप बनाया है, जिसके अंदर एक पुलिसमैन है जो कि वायर हटा रहा है कि एक प्लग में से, मतलब कि लाइट कट ऑफ कर रहा है, इस तरीके से दिखाया था। उसके अंदर एक लाइन थी जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पंजाब हैज रिसेंटली बीन हिट विद अ ब्लैकआउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए ये पोस्ट थी। अब जब बाद में ये सारी कंट्रोवर्सी हुई तो अमनदीप सिंह का कहना ये था, मीडिया है वो जानबूझ के मेरे ओरिजिनल पोस्ट को नहीं दिखा रही है और उस कैप्शन को नहीं दिखा रही है। अगर हम उस कैप्शन के ऊपर भी जाएं तो उसके अंदर भी कुछ सेटिस्फैक्टरी चीज है नहीं जो उनके उस एक्शन को डिफेंड करती है कि वो मैप क्यों बनाया गया। उसके अंदर भी कुछ ऐसे शब्द थे जो मैंने पढ़कर सुनाए जो कि एक तरीके से इंडिया के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। 20 सितंबर को अमनदीप जिसने ये मैप बनाया था उसका एक क्लेरिफिकेशन पोस्ट आता है ट्विटर पे, जिसके अंदर उन्होंने 3-4 पेज में फुल अपना एक्सप्लेन करा था किस तरीके से ये ऐसी ऐसी चीजें हुई, किस तरीके से एक आर्टिस्ट को दबाया जाता है जो हर एक बंदा विक्टिम कार्ड खेलता है अपना पूरा रायता फैलाने के बाद, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइन थी जो कि आई थिंक सेकंड पेज के एंड में लिखी हुई थी, खालिस्तानी नैरेटिव वाज सेट बाय कंगना। मतलब अमनदीप का ये कहना था कि खालिस्तानी जो नैरेटिव था वो कंगना रनौत ने सेट करा था, ना कि ये हम लोगों ने सेट करा था। हम लोग तो नॉर्मली पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे, जाके हम लोग हैं जो कि हमारी लैंड है, हम तो सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनको लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। खालिस्तानी नैरेटिव हमारा नहीं है, ये तो मीडिया ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और कंगना रनौत ने करा था, और इसका मतलब हम सबको पता है कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। अमन ने इसी पर्टिकुलर ट्वीट के, अपने ही ट्वीट के रिप्लाई में एक और ट्वीट करा जिसके अंदर से एक इंडिया मैप ट्वीट किया जाता है, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट भी आ जाता है और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट भी आ जाता है। ये चीज होती है 20 सितंबर को। उस पोस्ट के अंदर भी उसने एक वर्ड लिखा है जो कि बोल्ड लेटर में हाइलाइटेड है, अनअपोलोजेटिकली, मतलब कि मेरे को इस बात का कोई भी अपोलॉजी नहीं है, कोई भी सॉरी नहीं है, ये बस मैं पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि सामने वाले बंदे को सेटिस्फाई करना है, बल्कि मेरे को इस बात से कोई फर्क पड़ता है नहीं, सिंपल सिंपल भाषा में। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि पंजाब और हरियाणा को मिलाने का क्या कारण था, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को हटाना क्यों जरूरी पड़ा जब आपको पंजाब दिखाना था। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिखाना है कि भाई इस स्टेट के अंदर ये चीजें हो रही हैं बाय द आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट को ही ब्लैकआउट कर सकते थे। ये होता भी तब है जब 18 मार्च को पंजाब पुलिस रोड ब्लॉक कर देती है और थाउजेंड ऑफ लोगों को डिप्लॉय करती है रोड पे ताकि अमृतपाल को अरेस्ट कर सके। अमृतपाल वही आदमी है जो खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर एक अहम हिस्सा था, तो उसको पंजाब पुलिस को अरेस्ट करना था। जिस तो मार्च 18 को ये सब पुलिस एक्शन में ज्यादा आई थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था, और शुभ ने ये स्टोरी डाली थी 22 मार्च को, मतलब सिर्फ 4 दिन के अंतर, उसी समय की बात है। मतलब अब 21 सितंबर को शुभ एक क्लेरिफिकेशन पोस्ट डालता है जिसके अंदर पूरे अपने 3-4 पेज का एक क्लेरिफिकेशन पोस्ट होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं इतने बैकलैश के बाद भी वहां पे ना ही कोई अपोलॉजी वर्ड होता है, ना ही कोई सॉरी शब्द होता है, ना ही कुछ होता है। उसके अंदर भी अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया जाता है कि किस तरीके से मैं अपने देश से प्यार करता हूं, और वहां पे एक पर्टिकुलर लाइन थी जो कि एक मूवमेंट को भड़काने वाली बात थी कि पंजाबीज डू नॉट नीड टू गिव प्रूफ ऑफ पैट्रियोटिज्म। यहाँ पे जितना भी मैंने इंटरनेट पे देखा, किसी भी इंसान ने पूरी पंजाब को या पूरी सिख कम्युनिटी को या किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोला था
कि कोई कम्युनिटी पैट्रियोटिक है या नहीं है, नेशनल है इंटरनेशनल है, ये बात थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुभ की बात थी। लेकिन उसके अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में अपनी कम्युनिटी के पीछे छुपना, ये बात मेरे को समझ नहीं आई। अगर आपको बोलना था तो आप सीधा बोल सकते थे कि मैंने ये काम करा इस रीजन से, बात खत्म, या मैं इस चीज़ के लिए अपोलॉजी हूँ या फिर नहीं हूँ। उसमें अपनी कम्युनिटी को लाने का लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया। इसको बेसिकली कहना हुआ कि आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने कम्युनिटी के पीछे छुप रहे हो ताकि आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करे। आपको अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, इसलिए आपने वहाँ पे पर्टिकुलर सिख कम्युनिटी लिखा। बल्कि यहाँ पे कम्युनिटी को किसी ने कहा ही नहीं, बल्कि अगर हम पास्ट उठा कर देखें तो कितने सारे सरदार भाइयों ने हमारे देश के लिए कितना कुछ करा है, और ये बात हमारा पास्ट बताता है, हमारी हिस्ट्री बताती है। तो इन लोगों पर तो सवाल उठने का मतलब ही नहीं होता। हमारे हर एक रिलीजन, हर एक बंदे ने बहुत सपोर्ट करा है इंडिया के पैट्रियटिज़म में, इंडिया को आज़ादी दिलाने के अंदर। तो इस पे तो किसी ने सवाल खड़ा करा ही नहीं था। और उसके बाद एपी ढिल्लो और डीनो जेम्स, इन दोनों ने सपोर्ट करा। एपी ढिल्लो अपने फ्राइडे के पोस्ट के अंदर लिखते हैं, एज एन आर्टिस्ट इट हैज बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टे फोकस्ड ऑन योर क्राफ्ट एंड डू वॉट यू लव। और ये वही एपी ढिल्लो हैं जिन्होंने 15 अगस्त से दो दिन पहले तिरंगे जूते पहने थे, ट्राई कलर शूज पहने थे हमारे इंडियन फ्लैग के, और जिस पोस्ट को भी बहुत दिनों बाद डिलीट किया जाता है। बल्कि आप ये देखो, इतने बड़े सिंगर है जिसके इतने ज्यादा शो होते हैं, तो उसकी पीआर टीम भी होगी। जब आप कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पीआर टीम की नजर में वो चीज होती है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो इन सेलिब्रिटीज की। उन्होंने भी ये चीज नहीं रोकी होगी क्या एपी ढिल्लो को ये करने से, या फिर बाद में नहीं टोका होगा जब उसको तुरंत ही बैकलैश मिलना चालू हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें जानबूझ के करी जा रही हैं। ये वही एपी ढिल्लो हैं जो अभी शुभ को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने वही अपने लंबे से पैराग्राफ के अंदर वही चीजें जो शुभ ने लिखी थी, वही चीजें जो उस आर्टिस्ट ने लिखी थी, मतलब वही था, वर्डिंग चेंज थी। और तीनों पोस्ट को अगर आप देखो कुल मिलाकर, जो कि तीन पोस्ट आई हैं एपी ढिल्लो की तरफ से, शुभ की तरफ से, और अमनदीप सिंह जिसने वो मैप बनाया था, वो आर्टिस्ट, इन तीनों के पोस्ट में आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। कहीं पे भी अपोलॉजी नहीं है, कहीं पे भी सॉरी नहीं, कहीं पे भी कोई भी ये नहीं है कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो गई, चलो ठीक है सॉरी बोल के दफा करो उस मामले को, खत्म करो, नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हर जगह अपने आप को डिफेंड है, हर जगह पंजाब की बात है, हर जगह सिख कम्युनिटी की बात है, हमेशा कम्युनिटी की बात है। बल्कि कम्युनिटी पे किसी ने सवाल उठाया ही नहीं था। डीनो जेम्स ने भी सपोर्ट करा इस एक्शन को, और ये कहा कि भाई ठीक है आई एम सपोर्टिंग हिम, अगर आप दोबारा कभी ये शो होगा तो फिर मैं उस शो के अंदर आऊँगा। हालांकि बाद में गालियां पड़ने के बाद वो स्टोरी डिलीट भी हो जाती है, और प्रॉपर एक वीडियो भी आ जाती है डीनो जेम्स की तरफ से सॉरी बोलते हुए कि हाँ ठीक है मुझे नहीं पता था इस बारे में, और मैं एंटी इंडिया, ऐसा कोई भी बंदा जो इंडिया के खिलाफ कुछ बोले तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, उसमें सॉरी बोल दिया, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। पाकिस्तानी भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि इंडिया में सुने जाते हैं, तलहा अंजुम हो गए, रैप डेमन हो गए, एसकेडी हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने भी कभी एंटी इंडिया कुछ नहीं बोला या इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बल्कि वो पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान हमारे इंडिया का राइवलरी कंट्री है, लेकिन तब भी इंडिया में उनको बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि भाई तुम आर्टिस्ट की फ्रीडम ऑफ स्पीच को हटा रहे हो, आर्टिस्ट एक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है, आर्टिस्ट को काम करने के लिए किसी ने रोका ही नहीं है, ये लोग भी तो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी रैपर, जो पाकिस्तानी सिंगर है, जो इंडिया में गा रहे हैं, इंडिया में इनके गाने चल रहे हैं, इनकी कितने सारे स्ट्रीम्स तो इंडिया से आते हैं, तो ये लोग भी तो कर रहे हैं, इनको तो हेट नहीं मिल रहा। दिस इज नॉट रॉन्ग अबाउट ए पॉलिटिकल पार्टी और अ कंट्री और अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, दिस इज समथिंग रॉन्ग अबाउट अ पर्टिकुलर सिंगर्स। और यहाँ पे मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं उन तीन चार लोगों का ग्रुप कह रहा हूँ, क्योंकि जब पंजाब के ऊपर ये बात हुई थी मार्च में, जब 2023 की बात है, तब बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्ट ने सपोर्ट करा, जिसमें दिलजीत दोसांझ भी इंक्लूड थे, जिसको कंगना रनौत ने बाद में उनकी थोड़ा लड़ाई झगड़ा था चला था, जो सबको पता है। हर बार ही यही होता है, कभी इंडिया के अगेंस्ट बोला जाता है, कभी किसी धर्म के अगेंस्ट बोला जाता है, और बोलने के बाद बैकलैश मिलता है, गालियाँ पड़ती हैं, उसके बाद बंदा सामने आता है, आई एम सॉरी फॉर दिस, भाई माफ़ कर दो, और उसके बाद ख़त्म हो जाती है और वापस से वही चीज़ रिपीट होती है। तो हम लोग इतनी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं कि वापस से ये चीज़ रिपीट होती रहती है, और हम सोचते हैं कि अगर वो सॉरी बोल देगा तो बात ख़त्म हो जाएगी। जब बंदा अपने मुंह से कुछ बोल रहा है, वो भी ऐसे बंदे जो कि इतने साल एक्सपीरियंस हो चुका है एक इंडस्ट्री के अंदर, जब उन जैसे अच्छे खासे लोग जिन पे अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी पीआर टीम है, अच्छा खासा अच्छे बुरे की समझ है, जो वो ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंटेंशनली कर रहे हैं। उनको पता है कि ठीक है बैकलैश आएगा, सॉरी बोल दूंगा, सब लोग भूल जाएंगे, धक्के टीम पर, अभी सिर्फ अपने देश की बात है। धन्यवाद।